नमस्कार, मैं हुशवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 26 अगस्त, खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एम्स पटना ने टीचिंग फैकल्टी के कुल इतने पदों पर निकाली भर्तियां। इस दिन से होगी कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षा। सीएम नीतीश और मुख्यमंत्री सचिवालय के नाम पर हुआ फर्जीवाड़ा। यूपीआई से करते हैं पेमेंट तो रखे 5 बातों का ध्यान। महामुकाबले से पहले टीम इंडिया में शामिल हुए यह तूफानी गेंदबाज। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एम्स पटना ने टीचिंग फैकल्टी के कुल इतने पदों पर निकाली भर्तियां। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स पटना ने प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अधिसूचना जारी की है। इसके लिए कुल मिलाकर 173 रिक्त स्थान हैं। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को रिलेवेंट डिसिप्लिन में पीजी डिग्री और 1 से 14 साल तक का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो किसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन की अंतिम तारीख 26 सितंबर 2022 और 9 जनवरी 2023 है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट aimspatna.edu.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे अहम शर्मा की। अहम शर्मा एक भारतीय अभिनेता हैं। अहम शर्मा भारतीय टेलीविजन में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 1962, माई कंट्री लैंड सहित कई बॉलीवुड फिल्मों में भी अभिनय किया है। अहम शर्मा की सबसे पहचानने योग्य टीवी भूमिकाओं में 2013-14 में आई महाभारत में कर्ण की भूमिका, 2016-17 में ब्रह्मराक्षस में ऋषभ श्रीवास्तव और 2018-19 में आई विक्रम बैताल की रहस्य गाथा में विक्रमादित्य की भूमिका में दिखे थे। आपको बताते चले कि अहम शर्मा का जन्म 22 जुलाई 1989 में बिहार के सालिमपुर में हुआ था। विधान परिषद सभापति देवेश चंद्र ने कहा, जनता के मुद्दे सबसे जरूरी। बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में कोई भेदभाव नहीं होगा, सदन में सब बराबर हैं। सदन की समाप्ति के बाद उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि सभी के सहयोग से सदन की कार्यवाही सही ढंग से चले। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सदन अच्छे से चले, यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। सदन के अंदर हमारे लिए सभी सदस्य सामान्य हैं। आगे उन्होंने कहा कि जल्द ही हम सभी सदस्यों के साथ बैठक भी करेंगे। कमेटी का जो निर्णय होगा वो प्रभावी हो, इसको लेकर भी सदन गंभीरता के साथ विचार करेगा। इस दिन से होगी कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षा। विद्यार्थियों के लिए परीक्षाओं का मौसम नजदीक आ रहा है। राज्य भर के 1 से 8वीं तक के सरकारी स्कूलों में अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा अब 12 अक्टूबर से ली जाएगी, जो कि 18 अक्टूबर तक चलेगी। इसकी जानकारी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को दे दी गई है। आपको बताते चले कि पहले इस परीक्षा के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से 19 से 25 सितंबर तक की तिथि जारी की गई थी, लेकिन अब इसमें संशोधन कर तिथि को आगे बढ़ा दी गई है। विधानसभा स्पीकर और उपाध्यक्ष का हुआ नामांकन। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए चुनाव 26 अगस्त यानी आज किया जाएगा। गुरुवार को विधानसभा में स्पीकर पद के लिए राजद के अवध बिहारी चौधरी ने नामांकन किया था। साथ ही राजद के ही रामचंद्र ने उपसभापति के लिए नामांकन किया। इन दोनों के नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ साथ जदयू, राजद, कांग्रेस, हम और वाम दलों के कई नेता उपस्थित रहे। जदयू नेता श्रवण कुमार ने कहा कि दोनों के जीत में कोई परेशानी नहीं होगी, दोनों की जीत तय है। सृजन घोटाला मामले में कोऑपरेटिव बैंक का अधिकारी गिरफ्तार। बिहार के बहुचर्चित सृजन घोटाला मामले में सीबीआई ने जांच की आंच तेज कर दी है। इस बीच सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बैंक अधिकारी को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने बांका में तैनात कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता को पकड़ा है। सीबीआई के द्वारा अशोक कुमार गुप्ता से पूछताछ जारी है। मालूम हो कि सीबीआई के द्वारा सृजन घोटाले मामले में 27 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी। यह मामला करोड़ों रुपयों के गबन से जुड़ा हुआ है। श्रृंगी ऋषि धाम इस वजह से है बेहद खास। बिहार में कई दर्शनीय, ऐतिहासिक और तीर्थ स्थल मौजूद हैं जो कि आपके बिहार पर्यटन को यादगार बना सकते हैं। उन्हीं में से एक है लखीसराय का श्रृंगी ऋषि धाम। लखीसराय से 23 किलोमीटर दूर सूर्यगढ़ा प्रखंड में पहाड़ों के बीच श्रृंगी ऋषि धाम स्थित है। सफर में आपको पहाड़ की चट्टाने दिखेंगी। मंदिर पहुँचने पर वहाँ पहाड़ का ऊपरी हिस्सा आगे की ओर झुका हुआ मिलेगा, जो भयावह के साथ ही वहाँ की खूबसूरती को और भी बढ़ाता है।
यह धाम न सिर्फ अपनी प्राकृतिक छटा के लिए प्रसिद्ध है बल्कि इससे जुड़ी ऐतिहासिक कहानियां भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। मान्यता है कि यही वो स्थान है जहां पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने यज्ञ किया था और भगवान राम सहित चारों पुत्र के अवतरित होने के बाद यहां मुंजन भी करवाया था। श्रृंगी ऋषि की पहाड़ियां, झरने और कुंज आकर्षण का केंद्र है। सुनील सिंह ने कहा सीबीआई बीजेपी का अंग है, ये चाहते हैं गठबंधन टूट जाए। गुरुवार को लगातार दूसरे दिन भी सीबीआई का बिहार में छापा जारी रहा। इस दौरान सुनील सिंह के कई बैंक लॉकर भी फ्रीज कर दिए गए। इस बात की पुष्टि खुद सुनील सिंह ने की है। बीते दिन सुनील सिंह ने कहा कि सीबीआई की एक टीम मेरे घर में है और एक टीम बैंक में है। जिस मंशा से वो रेड कर रहे हैं उनकी मंशा सफल नहीं हो पा रही है। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना है। आप लोग जानते हैं भाजपा का एक अंग सीबीआई है। अब ये लोग इस ट्रीट में लगे हैं कि किस तरह से इन लोगों की गठबंधन तोड़ दिया जाए। तेजस्वी यादव को निशाना बनाया जा रहा है। कल यानी बुधवार को 14 घंटे तक सीबीआई की टीम रेड करती रही। इस दौरान कल्पना के आधार पर कई तरह के सवाल भी किए गए। राज्य भर में आज भी होगी तापमान में बढ़ोतरी। मौसम का मिजाज कब बदल जाए किसी को नहीं पता। बिहार में बारिश से संबंधी गतिविधियां इन दिनों बदलती हुई दिख रही हैं। कभी बारिश तो कभी धूप लोगों को परेशान कर रही है। हालांकि पिछले दो दिनों से बारिश का नामो निशान नहीं है, इस वजह से तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। इस बीच मौसम विज्ञानियों के पूर्वानुमान में कहा गया है कि राज्य में 26 अगस्त यानी आज तक सामान्य औसत बारिश की संभावना न के बराबर है। आईएमडी ने 27 अगस्त को अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है। पटना मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक 27 अगस्त को पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, अररिया, पटना, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, औरंगाबाद, रोहतास, अरवल, नालंदा, जहानाबाद, गया, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा और बेगूसराय जिले में वज्रपात के साथ ही बारिश की आशंका है। बीजेपी ने कहा सदन में पेश हो आचार समिति की रिपोर्ट। बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने एक बार फिर से नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश की है। दरअसल यह मामला पिछले साल के बजट सत्र की है। पिछले वर्ष बजट सत्र में विधानसभा में हुए भारी हंगामे और विपक्ष विधायकों द्वारा तत्कालीन स्पीकर व नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के साथ किए गए दुर्व्यवहार मामले में विधानसभा की आचार्य समिति की सिफारिश पर बीजेपी ने नीतीश तेजस्वी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनादेश का अपमान किया जा रहा है। आचार समिति की रिपोर्ट आ गई है जिसे सदन के पटल पर रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो सभा के पटल पर रखने में क्या परेशानी है। पटना के IGIMS में अब रोबोट से होगी लीवर की सर्जरी, शुरू हुआ काम। पटना के IGIMS अस्पताल में अब लीवर, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर व आंत की सर्जरी रोबोट के द्वारा कराई जाएगी। इसके लिए अस्पताल प्रशासन ने तैयारी भी शुरू कर दी है। बता दें कि इसको सफल बनाने के लिए अलग से ऑपरेशन थिएटर भी बनाए जा रहे हैं। अब OT का निर्माण पूरा हो जाएगा तो इसके बाद मशीन के लिए टेंडर होगा, फिर रोबोट से सर्जरी शुरू कर दी जाएगी। करीब 85 करोड़ रुपये की लागत से बनी ये नई तकनीक रोबोट संस्थान में आएगा। वहीं विशेषज्ञों की माने तो दूरबीन तकनीक वाले ऑपरेशन के मुकाबले रोबोटिक सर्जरी ज्यादा सटीक व सुरक्षित होती है और इसमें संक्रमण का जोखिम भी कम होता है। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के ऊपर दिया विवादित बयान। विधान परिषद में सत्तादल और विपक्ष के बीच जमकर बहसबाजी देखने को मिली। इस दौरान नेता सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का राजनीति करने का तरीका भी खराब है और वे कब इधर से उधर चले जाएं ये किसी को समझ नहीं आता। सदन में कार्यवाही के दौरान नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि नीतीश कुमार कभी इसके साथ तो कभी उसके साथ दिखते हैं। रोहतास के अखिलेश अशोक पुरस्कार से होंगे सम्मानित। 28 अगस्त को पटना में 22वें बिहार पुरस्कार समारोह का आयोजन होना है जिसमें रोहतास जिले के भैंसी गांव निवासी और समाजसेवी अखिलेश कुमार को अशोक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि सम्मान के लिए अशोक का चयन किया गया है। मालूम हो कि बिहार दिव्यांग खेल अकादमी ने सामाजिक प्रतिबद्धता श्रेणी के लिए उन्हें स्मृति चिन्ह प्रमाण पत्र तथा बिहार पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। बिहार दिव्यांग खेल अकादमी के सचिव संदीप कुमार ने अखिलेश कुमार को पत्र भेजकर इस सम्मान ग्रहण करने का आग्रह किया है। BSPHCL ने कायम किया रिकॉर्ड। बिहार में BSPHCL ने एक और नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। बता दें कि BSPHCL ने नया कीर्तिमान बनाते हुए 10 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन करने के आंकड़ों को पार कर लिया है। अब से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने में बिहार देश में अव्वल है। अब दिसंबर तक बिहार में 23 लाख मीटर और मार्च 2025 तक पूरे बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। इस मौके पर BSPHCL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक संजीव हंस ने उपभोक्ताओं
उपभोक्ताओं द्वारा मीटर लगाने में उनके उत्कृष्ट सहयोग के लिए बधाई देते हुए कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के काम में इंजीनियरों और सहकर्मियों की हमारी टीम उत्कृष्ट काम कर रही है। भारतीय रेल ने पितृपक्ष मेला को लेकर शुरू की तैयारी। आगामी 9 सितंबर से पितृपक्ष मेला शुरू होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में भारतीय रेलवे द्वारा भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पिछले 2 वर्ष से कोरोना संक्रमण के कारण पिंड दान करने वाले लोगों की संख्या में कमी देखी गई थी, हालांकि इस वर्ष लोगों की भीड़ ज्यादा रहने की संभावना है। ऐसे में भारतीय रेल के द्वारा 84 जोड़ी स्पेशल ट्रेन गया के लिए चलाई जाने वाली है। इसमें से 7 स्पेशल ट्रेन मध्य प्रदेश से चलाई जा रही है। इसके साथ ही तीर्थयात्रियों के लिए पर विशेष इंतजाम भी किया जा रहा है। बिहार के इन 2 शिक्षकों को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। बिहार के ऐसे 2 शिक्षकों का चयन हुआ है जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इनमें से महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय खुशरूपुर पटना की शिक्षिका निशी कुमारी और ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल त्रिवेणीगंज सुपौल के शिक्षक सौरभ सुमन शामिल हैं। आपको बताते चले कि देश भर से 46 शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए किया गया है। इसमें से बिहार से 2 शिक्षक शामिल हैं। इन शिक्षकों को विज्ञान भवन में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर सम्मानित किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने नित्यानंद राय को दी चेतावनी, बोले ये बिहार है। बीते दिनों राजद के नेताओं के घर पर सीबीआई ने छापा मारा, इसको लेकर राजद ने बहुत आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस मामले पर गुरुवार को तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस दौरान उन्होंने सीबीआई की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय पर भी जमकर जुबानी हमला किया। उन्होंने नित्यानंद राय का बिना नाम लिए ये कहा कि बिहार की मोदी सरकार में मंत्री संभल जाएं, बिहार में जो करना चाहते हैं वो संभल जाएं, ये बिहार है, यहाँ दिल्ली से कोई बचाने नहीं आएगा। मुख्यमंत्री नीतीश और मुख्यमंत्री सचिवालय के नाम पर हुआ फर्जीवाड़ा। साइबर क्राइम के मामले आए दिन सामने आते हैं। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर भी फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाया गया, लेकिन इस फर्जी अकाउंट को चलाने वाले जालसाज को आर्थिक अपराध इकाई ने गिरफ्तार किया है। दरअसल मुख्यमंत्री सचिवालय के आधिकारिक प्रतीक चिन्ह का दुरुपयोग करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के नाम से फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल संचालित होने की सूचना प्राप्त होने के बाद आर्थिक अपराध इकाई द्वारा एक मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाने वाले व्यक्ति की पहचान की गई। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। छापेमारी पर बोले तेजस्वी, मेरे खिलाफ साजिश, हम डरने वाले नहीं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने फिर एक बार बीजेपी पर हमला किया और कहा कि जिस मॉल पर बुधवार को सीबीआई ने छापेमारी की वो मॉल मेरा नहीं है, अगर मेरा मॉल होगा तो आधा गरीबों को दान कर देंगे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि मीडिया में गलत खबर चलाई गई है। उन्होंने कहा कि मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं कि मेरा एक भी डीड नहीं सीबीआई को मिला है, 200 डीड चलाए जाने की खबर बिल्कुल गलत है। तेजस्वी ने कहा कि ये बिहार है, डरता नहीं है, ये लोग फिर ये काम करेंगे, जेल में ले जाना है, हमने न्यायालय के आदेश को माना है, सभी लोग सचेत रहें। राजू श्रीवास्तव की हालत स्थिर। दुनिया भर को हंसाने वाले कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव आज खुद कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और वेंटिलेटर पर हैं। बीते 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट करते समय राजू श्रीवास्तव को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद पिछले 2 सप्ताह से वो दिल्ली एम्स में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। इस बीच बीते दिन राजू श्रीवास्तव के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से उनकी बेटी अंतरा श्रीवास्तव ने एक पोस्ट के जरिए बताया कि राजू श्रीवास्तव जी की स्थिति फिलहाल स्थिर है और वो अभी वेंटिलेटर पर हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राजू श्रीवास्तव जी के आधिकारिक अकाउंट से जो अपडेट दिया जाए उसी पर विश्वास करें, इधर उधर से मिली जानकारी पर विश्वास ना करें। गेहूं आटे की बढ़ती कीमतों पर अब लगेगा लगाम। देश भर में गेहूं आटा के दामों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दिया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक की गई। इसके बाद जारी आधिकारिक बयान के अनुसार मंत्रिमंडल के इस निर्णय से अब गेहूं के आटे के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति दे दी गई है। इस आटे की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगेगा और समाज के सबसे कमजोर तबके के लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। हिंदी साहित्य के एक महान उपन्यासकार चतुरसेन शास्त्री का जन्म 26 अगस्त 1891 को हुआ था। भारत रत्न सम्मानित मदर टेरेसा का जन्म 1910 को हुआ था। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी बंसी लाल का जन्म 1927 को हुआ था। हीरो साइकिल्स के सह संस्थापक और समाज सेवी ओम प्रकाश मंजुल का जन्म 1928 को हुआ था। प्रसिद्ध राजनेत्री संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी का जन्म 1956 को हुआ था। प्रसिद्ध साहित्यकार गीत गजल दिनेश रघुवंशी का जन्म 1964 को हुआ था। भारतीय
हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध सहायक अभिनेता इंद्र कुमार का जन्म 1972 को हुआ था और आज ही के दिन प्रसिद्ध अभिनेता और दूरदर्शन कलाकार ए.के. हंगल का निधन 26 अगस्त 2012 को हुआ था। मुकाबले से पहले टीम इंडिया में शामिल हुआ यह तूफानी गेंदबाज। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के 26 वर्षीय तेज गेंदबाज कुलदीप सेन का चयन आगामी एशिया कप में भारत की 18 सदस्यीय टीम में हुआ है। कुलदीप को नेट बॉलर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। खबर है कि टीम इंडिया के सिलेक्टर कमेटी के चेयरमैन चेतन शर्मा ने सोमवार 22 अगस्त की रात कुलदीप को कॉल कर मुंबई पहुंचने के लिए कहा और बुधवार रात को वो टीम के साथ दुबई के लिए रवाना हुए। 27 अगस्त से एशिया कप 2022 की शुरुआत हो रही है और 11 सितंबर को टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 28 अगस्त को दुबई में चीन प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगी। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे अग्निवीर के तहत होने वाली शिक्षक बहाली की। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में एक वायरल खबर में यह दावा किया जा रहा है कि शिक्षक भर्ती नई नियमावली को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है। साथ ही अग्निवीर की तर्ज पर 10 सालों के लिए शिक्षकों की नौकरी होगी, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको बता दें कि PIV फैक्ट चेक द्वारा किए गए ट्वीट में कहा गया है कि ये सभी दावे फर्जी हैं, ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। UPI से करते हैं पेमेंट तो रखें 5 बातों का ध्यान। भारत की इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में क्रांति लाने वाला यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ही है। इसकी वजह से पेमेंट का आधा से ज़्यादा झंझट हल हो जाता है। मिनट से भी कम समय में आप अकाउंट में रुपए प्राप्त कर सकते हैं और भेज सकते हैं। भारतीय इसके लिए मुख्य रूप से गूगल पे, फोन पे और पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जितनी तेजी से हम डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, उतने ही साइबर ठग भी एक्टिव हो गए हैं। ऐसे में आपको UPI से पैसे भेजने समय कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। पहला, अपना UPI पिन कभी किसी के साथ साझा ना करें। दूसरा, अपने फोन में स्क्रीन लॉक लगाएं। तीसरा, लेन देन से पहले हमेशा UPI ID वेरीफाई करें। चौथा, एक से अधिक UPI ऐप के इस्तेमाल से बचें। और पांचवा, असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है भूषण भारती, राघव, अशोक कुमार प्रजापति, संतोष कुमार, अनवर करीम खान, अर्जुन सिंह यादव, पवन कुमार पंडित, अंकित कुमार, रेखा कुमारी, दीपक कुमार, डॉक्टर आदित्य कुमार और विकास कुमार। आज का सवाल है कि आपके अनुसार UAE के दौरे पर गई भारतीय टीम एशिया कप पर कब्जा कर पाएगी या नहीं? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।